आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के बेलथा रोड तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा फरसाटार में रमजान के पवित्र महीने में दिन रविवार को सूर्यास्त के बाद फरसाटार निवासी एडवोकेट दिलरोज अहमद एडवोकेट फैसल अहमद के निवास स्थान फरसाटार में मुस्लिम बंधुओं ने रोजा इफ्तार खोला। आपको बता दें कि इस मौके पर गंगा जमुनी तहजीब हिंदू मुस्लिम एकता और सद्भावना की तस्वीर उभर कर आई। इस्लामिक धर्म के सबसे पवित्र त्यौहार रोजा इफ्तार में मऊ जनपद के मधुबन फतेहपुर मंडाव के ब्लॉक प्रमुख शुभम सिंह, सदस्य जिला पंचायत जनार्दन यादव, सपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मतलूब अख्तर, सदस्य जिला पंचायत दिनेश यादव फौजी, डॉक्टर फैजुल रहमान, कलीम फरसाटारी, एडवोकेट अरुण श्रीवास्तव, प्रमोद यादव, डॉक्टर सरफराज, आकाश यादव, डॉक्टर फैजान, ब्रजेश यादव, मोहम्मद आसिफ, डॉक्टर नरेंद्र, सद्दाम भाई, राजेश पासवान, अबान हसन, एडवोकेट दुर्गेश, सिविल कोर्ट बलिया एडवोकेट संजीत, पूर्व एसआई अफजाल अहमद, पूर्व टीटी फैजान अहमद, मृत्युंजय शुक्ला एडवोकेट, सत्यप्रकाश उपाध्याय, मृत्युंजय चौरसिया फैसल, आदिल मोहम्मद, मोनू मोहम्मद, तारिक साहिद समाजवाद पत्रकार, समत पत्रकार मोहम्मद सुफियान। इन सभी सम्मानित लोगों की मौजूदगी ने हिंदू मुस्लिम एकता एवं सद्भावना को मजबूत किया। रोजा इफ्तार का आयोजन एडवोकेट फैसल अहमद एडवोकेट दिलरोज अहमद एडवोकेट फैज अहमद तारिक अहमद अफरोज अहमद फरहान अहमद फिरोज अहमद आदि ने किया। बलिया से न्यूज 9 भारत के लिए मोहम्मद सुफियान की खास रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।